डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और इस पर आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लगातार इतने दौरे हुए सब हुए, अब वो अंतिम घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। 28 सीटों पे ये महा उपचुनाव है सर। उपचुनाव महत्वपूर्ण है, वैसे हर चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र का मूल ही चुनाव है। इससे अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार ही बनती है, चुनी जाती है और मुझे पूरा विश्वास है जनता का प्यार और आशीर्वाद विकास और जन कल्याण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए, समाज के सभी वर्गों के उद्धार के लिए भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे वोटरों से, खास तौर से आज के दिन निकलें वो बाहर वोट करें, मताधिकार का प्रयोग करें? नहीं, मेरी तो प्रार्थना है वोट जरूर डालें क्योंकि मतदान लोकतंत्र की आत्मा है और मतदान से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए एक भी मतदाता ऐसा ना हो जो वोट ना करे। सभी भाई बहन निडरता के साथ मतदान करें, कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी करें। काफी प्रचार हुआ था, सब खत्म हो गया, लेकिन मुद्दे और बयानों में काफी विरोधाभास रहा इस पूरे उपचुनाव में। हमारे लिए चुनाव का मुद्दा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण, समाज के सब वर्गों का कल्याण, किसानों, गरीबों, नौजवानों, माताएं बहनें हो, मध्यम वर्ग हो, व्यापारी भाई बहनों, सबकी भलाई, गरीब के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार के इंतजाम, किसान के लिए लाभकारी खेती, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, रोजगार के अवसरों का निर्माण, महिला सशक्तिकरण और प्रदेश का विकास, ये हमारे लिए चुनावी मुद्दे हैं। कांग्रेस के मित्रों ने जरूर आरोपों की बौछार की और लगभग चुनाव में जिन शब्दों का प्रयोग किया, मेरे लिए, मेरे बाकी साथियों के लिए, इमरती देवी जी सहित, वो सचमुच में पीड़ादायी था और वो मध्य प्रदेश की परंपरा भी नहीं थी, लेकिन हम विकास के मुद्दे पर ही लड़ रहे हैं। सर, आप मुख्यमंत्री हैं लेकिन इस पूरे उपचुनाव में ज्योतिराज सिंधिया पर सबकी नज़रें भी टिकी हुई हैं। आपको लगता है जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में 16 सीटें, इस उपचुनाव वाली जो सीटें उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की थी, सभी में कांग्रेस जीती थी, क्या वो कांग्रेस का वोट था या फिर ज्योतिराज सिंधिया के नाम पे? और अगर ऐसा था तो आपको लगता है कि इस बार भी कुछ भी? देखिए, ये ज्योतिरादित्य जी अत्यंत लोकप्रिय नेता हैं, जनता का प्यार और आशीर्वाद उनको बहुत मिलता है और वोट किसी एक दल का नहीं रहता, वोट तो मुद्दों के आधार पर बदलता है। अगर फिक्स वोट होते तो सरकारें बदलती क्यों? लेकिन लोग अब देख रहे हैं कि पिछली सरकार ने 1.25 साल में सत्यानाश प्रदेश का कर दिया था, इसलिए सिंधिया जी ने भी कांग्रेस छोड़ी, उनके साथियों ने छोड़ी, भाजपा में एक रस हो गए, एकात्म हो गए, अब प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। दिवाली इस बार की कौन मनाएगा? नहीं, दिवाली तो सब मनाएंगे, हार और जीत से दिवाली प्रभावित थोड़ी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। बहुत उनसे बात करने के लिए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने वोटिंग वाले दिन जो मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है एक्सक्लूसिव बातचीत किया।